हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम यहाँ पर ग्रुप डे के बारे में बात करेंगे। आपका ग्रुप डे का जो फिजिकल है 1 किलोमीटर रनिंग है, उसको आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कैसे निकालना है, किस तरह से आपको रनिंग करना है, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और दोस्तों अच्छे से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको रनिंग करना है, आपको रनिंग की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, आपको कहाँ से स्टार्ट लेना है, किस कहाँ पर कहाँ तक कम्प्लीट करना है, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और दोस्तों आपका एक दिन में आपका 4 मिनट 15 सेकंड में आप 100% निकालोगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप वीडियो को पूरा देखना, आपका सपोर्ट दोस्तों बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं, इसलिए दोस्त उसके लिए दोस्तों आपको बहुत सारा थैंक यू। और उसके साथ दोस्तों वीडियो बनाने में यहाँ पर हमारे एकेडमी के यहाँ पर सौरभ मंडिक और यहाँ पर सौरभ पाटिल, इस दोनों ने बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाए, बहुत इन दोनों का बहुत अच्छा साथ है। उसके साथ जो अभी शूटिंग कर रहे हैं हमारा प्रतीक, उसका भी बहुत अच्छे से साथ है। उन्होंने टाइम पर आकर उन्होंने अच्छी तरह से शूटिंग किया, तभी हमने अच्छे से वीडियो कर पाया। और इन सभी का भी अच्छे से साथ है, इसलिए हम अभी 10K सब्सक्राइब पूरी कर रहे हैं और पूरे कर चुके हैं। यहाँ पर 10K ऊपर 100 सब्सक्राइब पूरे हो गए, इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत सारा थैंक यू। हम अभी बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में, आपको किस तरह से रनिंग करना है, तभी आपका टाइमिंग कम आएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ग्रुप डी के लिए 1 किलोमीटर रनिंग है और वो भी आपको 4 मिनट 15 सेकंड में निकालना है, ये तो आपको दोस्तों पता है। तो 1 किलोमीटर मतलब आपको 2.5 राउंड लगाने हैं, 400 मीटर के 2.5 राउंड लगाने हैं, मतलब पहला 200, उसके बाद फिर नेक्स्ट 400 और लास्ट 400, इस तरह से आपको 1 किलोमीटर लगानी है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला 200 मीटर फिर उसके बाद 400 मीटर और लास्ट 400 मीटर का स्ट्रैटर्जी किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह का हर एक राउंड का टाइम किस तरह से आना चाहिए, तभी आप 4 मिनट 15 सेकंड में एजी से रनिंग कर पाओगे। यही दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जब आप फिजिकल के लिए जाते हो, जहाँ पर आपका ग्रुप डी का फिजिकल है, वहाँ पर आपको सबसे पहले जब आपका फिजिकल है उससे पहले आपको दोस्तों 15 मिनट या आधा घंटे पहले सबसे पहले लाइटली स्ट्रेचिंग करना है। दोस्तों आपको टाइम 100% वहाँ पर मिलता है, थोड़ा भी आपको टाइम अगर मिलेगा वहाँ पर आपको दोस्तों इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेचिंग करना है। और स्ट्रेचिंग क्यों करना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल अच्छे से एक्टिव हो जाती है, आपका जहाँ पर भी पेन होता है वो जाने के लिए, उसके लिए आपको दोस्तों इस तरह से स्ट्रेचिंग जरूर करना है। स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी अच्छे से खुलते है, आप रनिंग अच्छे से कर पाते हो। और स्ट्रेचिंग होने के बाद आप 2 या 4 मिनट स्लो जॉगिंग करना और नॉर्मल स्टैंडिंग वार्म एक्सरसाइज करना। दोस्तों अगर आप इस तरह से 5 मिनट अगर करोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से खुलते है, आपको मसल पूरी एक्टिव होती है। और फिर आप 1 किलोमीटर अगर लगाओगे तो आपका टाइमिंग बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से सबसे पहले आप इस तरह से वार्म एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ज़रूर करना। तो अब बात करेंगे कि आपको 1 किलोमीटर रनिंग की स्ट्रैटर्जी कैसे रखनी है, हर एक राउंड का टाइमिंग कैसे रखना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जहाँ से आपका स्टार्ट होता है, जहाँ से दोस्तों आपको स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको 200 मीटर पहला 200 मीटर जहाँ तक आपका फिनिश है, पहला 200 मीटर दोस्तों आपको 47 या 40 सेकंड में लगाना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 400 मीटर है वहाँ पर दोस्तों आपका 1 मिनट 38 सेकंड में आपको 400 मीटर लगाना है। और जो 400 मीटर लास्ट चक्कर होता है, यहाँ पर तक दोस्तों आपका 600 मीटर हुआ, और जो लास्ट 400 मीटर का चक्कर है वहाँ आपको पहला 200 मीटर 48 सेकंड तक लगाना है, 47 या 48 सेकंड तक। इस तरह से दोस्तों हर एक राउंड का आपका टाइमिंग सेम होना चाहिए। और जो लास्ट 200 मीटर है वहाँ आपको फिनिश लगाना है, स्पीड से लगाना है। अगर आप इस तरह से दोस्तों भागोगे तो आपका टाइमिंग 4 मिनट 5 सेकंड तक आ जाएगा, और 4 मिनट 5 या 7 सेकंड तक आएगा, और आपका टाइमिंग 100% अच्छा आएगा। इस तरह से आप रनिंग करना।